हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम क्रिएटिंग गंगूबाई लुक। अच्छा, ये लुक जो है ना, मैं रिक्रिएट कर रही हूँ। काइंडली आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं आलिया भट्ट बनने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये लुक क्रिएट कर रही हूँ और होपफुली आपको पसंद आएगा। मुझे भी नहीं पता था ये किस तरह से टर्नड आउट होगा, मैंने भी सिर्फ फर्स्ट टाइम ट्राई किया कोई लुक क्रिएट करना। होपफुली अगर आपको पसंद आए तो आप लोग जो मुझे बताना, ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले जो है, मैं मॉइस्चराइजिंग के लिए जो है निविया की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इट्स वेरी हाइड्रेटिंग और ये आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से जो है ना रेडी कर देती है फॉर मेकअप। और आप इसको देखें, इसको लगाने के बाद आपकी स्किन एकदम ग्लोई सॉफ्ट, बेबी सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो फिर अब मैंने आईब्रोज नहीं बनी हुई थी तो इसलिए मैं बता रही थी आपको। उसके बाद जो है, मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ फॉर स्मूथ कैनवास प्रोवाइड हो जाए ताकि मुझे, और फिर मैंने अपने टी जोन एरिया पे प्राइमर लगाया। मुझे सिर्फ यहीं पर ही पसीना आता है तो टी जोन एरिया को जो है ना मैंने लगा दिया। और फिर यहाँ पर देखें, मैं अब बनाऊँगी अपनी आईब्रोज। अच्छा, आलिया भट्ट की जो आईब्रोज हैं वो थोड़ी सी बुशी और डार्क कलर की बनी हुई है इस लुक के अंदर, तो मेरी आईब्रोज जो हैं वैसे भी नीट नहीं हुई हुई थी, तो मैंने उसको ही बस थोड़ा सा डार्क फिल करके और कंसीलर के साथ जो है ना क्लियर आउट कर लिया था। तो यहाँ पर मैं मेक श्योर हो रही हूँ कि आईब्रोज दोनों इक्वल हैं या नहीं, बार बार ये चीज़ देखी जा रही हूँ मैं, ताकि थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी आईब्रोज में यहाँ पे बनाऊँ थोड़ी सी डार्क। होपफुली मेरी आईब्रोज मतलब उनकी तरह लग रही हूँ, क्योंकि उनकी आईब्रो की शेप में मेरे आईब्रो की शेप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देन आई एम यूजिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर और उससे मैं अपनी आईब्रोज़ को जो है ना नीट कर रही हूँ और जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको हाइड कर रही हूँ, और इससे जो है मेरी आईब्रोज़ बिल्कुल एकदम शार्प और हाईलाइटेड लगेंगी इसलिए। एंड देन मैं इसी कंसीलर को जो है थोड़ी देर बाद ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और जो है कंसीलर जो है ना, ये बेहतरीन कंसीलर है। फिर मैं पूरी अपनी आईलेट पे भी ये कंसीलर लगा लूँगी और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको जो है ब्लेंड कर लूँगी। और थोड़ी सी जो है, मैं आज लाइट फाउंडेशन और लाइट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस लुक में जो है ना एक बोल्ड काजल लगा हुआ है, तो बोल्ड काजल जो है ना थोड़े से अगर आपकी स्किन अच्छी हो, ब्राइट हो और थोड़ा सा टोन्ड अप हो तो उसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आलिया भट्ट का कलर मेरे कलर से थोड़ा सा ज़्यादा फेयर है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फेयर फाउंडेशन यूज़ करी है, बिकॉज आपका जो काजल होता है वो भी ब्लैक होता है, और अगर आप थोड़ी सी डल फाउंडेशन लगाओगे तो आपकी स्किन बहुत डल डल लगेगी। अगर आप थोड़ा सा ब्राइट फाउंडेशन लगाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंसीलर भी यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी अंडर आइज़ थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाए और जो मेरा काजल है वो निकल कर आए, मतलब निकलने से मुराद है कि बिल्कुल पॉप अप होकर आए। और फिर मैं यहाँ पे जो है कॉम्पैक्ट पाउडर से अपना पूरा फेस सेट कर रही हूँ। ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर है यहाँ पर मेरे पास, और देन जो है मैं ब्यूटीफाई पर आमना का 10-in-1 ब्राउन्जर यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी फेस को थोड़ी सी डैप मिल जाए। आलिया भट्ट का जो फेस है वो बहुत स्लिम ट्रिम है और मेरा जो है थोड़ा सा ह्यूज है, मतलब बड़ा है, और मेरा गोल फेस भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा शेप में देने के लिए मैंने कॉन्टोरिंग करी है, अपने नोज़ को भी कॉन्टोर किया, लेकिन मैंने बिल्कुल ज़्यादा डार्क कलर से कॉन्टोर नहीं किया, एक ब्राउन्जर शेड से मैंने कॉन्टोर किया है। और फिर इसको थोड़ा सा फाइन कर लूँगी मैं। देन यहाँ पे मैं मिनीशो का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, आलिया भट्ट के कोई ऐसा हाइलाइटेड ब्लश नहीं लगा हुआ था, तो यहाँ पे जो है मैंने एक टेराकोटा ब्लश यूज़ किया है और ये हल्का सा पीच कलर में था, तो और मैंने ना होने के बराबर ही ब्लश ऑन लगाया। देन यहाँ पे जो है मैं सबसे लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ फॉर आइज, थोड़ी सी आइज़ को डेप्थ देने के लिए और ताकि मेरी जो क्रीज है वह थोड़ी सी डेप्थफुल लगे और बिल्कुल एकदम ऐसा ना लगे कि वाइट है। तो मैंने थोड़ा सा डैप देने के लिए यहाँ पे ये कलर अपने क्रीज में जो है अप्लाई किया है। देन मैं यहाँ पर जो है जेल काजल यूज़ कर रही हूँ। यार, ये बहुत ज़बरदस्त काजल है, जब ये ड्राई हो जाता है ना तो ये बिल्कुल स्मच प्रूफ एंड वाटर प्रूफ हो जाता है। तो फिर इसको जो है मैंने अच्छी तरह से अपनी आइज़ के अंदर और अपनी
ऊपर भी लगा लिया था आइज़ के अच्छी तरह से। एंड देन मैं यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ इस आइज़ काजल को जो है ना स्मच करने के लिए। फिर मैंने एक आई शेडो पैलेट में से जो एक ब्लैक शीट लिया है और फिर इस काजल को जो है मैं स्मच कर रही हूँ। और मैंने डायरेक्टली काजल बाहर बहुत ज़्यादा नहीं लगाया था, बस जो शेड है उसको ही ब्लेंड आउट करी। एकदम जब ब्लैक कलर का शेड है, बहुत अच्छा शेड है। अच्छा मैं आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना अपने काजल को थोड़ा सा बिल्डअप करी थी, क्योंकि मैं अगर एकदम से ब्लैक कलर फ़ौरन अप्लाई कर दूँगी तो बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता से अप्लाई करना है। देन मैं यहाँ पर जो है वो बिंदी बना रही हूँ जो आलिया भट्ट ने थी। अब मेरे पास तो इस तरीके से अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ड्रॉ कर लूँ एक पेंसिल से, मतलब ये लिप पेंसिल है, तो मैंने उससे ड्रॉ करी और मुझे हंसी आ रही थी बार बार देख के कि मैं तो अजीब ही लग रही थी, बिकॉज खैर छोड़ें। तो मैंने ये क्रिएट कर ली बिंदी और काफ़ी अच्छा राउंड शेप मैंने बना दिया और बाद में मुझे देख के इतनी हंसी आ रही है अपने लुक को। देन जो है मैं यहाँ पर जो है अपने लिप को लाइन कर रही हूँ। अच्छा यार मैं बार बार इस चीज़ का डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं आलिया भट्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही, यहाँ पर सिर्फ मैं एक लुक क्रिएट कर रही हूँ। इट्स अ फन वीडियो, आप अगर चाहो तो इसको एज अ फन यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसमें से कोई चीज़ मतलब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो तो आप तब भी देख सकते हो। यहाँ पर जो है मैंने रेड कलर की बोल्ड लिपस्टिक लगाई है, फिर उसके ऊपर जो है ना एक बोल्ड रेड लिक्विड लिपस्टिक भी अप्लाई कर लिया। देन मैंने यहाँ पर मस्कारा यूज़ किया है एस्टी लंडन का और अपनी लैशेस पे लगा लिया। देन यार इनका सबसे सिग्नेचर ये जो इनकी आईज़ के नीचे जो है एक वो बना हुआ था क्रॉस टाइप का, स्टार टाइप का, और फिर यहाँ पे जो है मैंने ये नोस पहन ली थी, क्या कहते हैं इसको, नोस पिन। और ये एक्चुअली ये मेरा स्टंट था और मुझे इत्तेफाक से मिल गया था और ये बिल्कुल उस लुक पे जा रहा था, तो मैंने इस तरह से पहन लिया। और होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर दो मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट में बताओ कि मैं और किस किस का लुक क्रिएट करूँ। और अब जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाला।